और चलिए बात करेंगे अब जोशीमठ की। आप तो देखिए यहाँ पर जोशीमठ से 7 किलोमीटर की दूरी पर सुनील गांव मौजूद है, जो गांव ओली जाने वाला मुख्य सड़क के किनारे पर मौजूद है। आपको बता दें सुनील गांव के यहाँ पर 3 परिवार इस वक्त खतरे की जद में पहुँच चुके हैं। कारण है, तीनों परिवारों के घरों में मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं, जो दरार कभी भी यहाँ पर कोई बड़ा हादसे का रूप ले सकती है। पीड़ित परिवार विनोद सकलानी और साथी दुर्गा सकलानी, प्रमोद सकलानी का कहना है अब इन घरों में रहना किसी खतरे से खाली नहीं। साथ ही कहा कि यहाँ पर आज को लगातार मोटी मोटी बारिश हो रही है, जिसके चलते यहाँ पर जो है काफ़ी नुकसान हो रहा है, और साथ ही लोगों को डर भी सता रहा है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। साथ ही उन्होंने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही कहा है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली है। बड़ी मुश्किल से इस घर में रहने को मजबूर हुए हैं। बारिश के टाइम पे हम बाहर आ जाते हैं, बारिश जब ज़्यादा लगती है, और सरकार की तरफ से हमें कोई अभी तक कोई भी मदद नहीं मिल पाई। ये न्यूज़ पहले भी चल चुकी है और सरकार अभी तक हमें कुछ भी मतलब अभी कोई मदद नहीं मिल पाई है। शायद अब सरकार हमारी मतलब जब लाशें देखेंगी शायद तभी सरकार को चैन मिलेगा, तभी आएगी सरकार हमारी लाशें देखने, और तो हमें कुछ आशा नहीं है सरकार से। जो आए हुए था वो आके देख के चले गए, और ऐसा है कि जिस हिसाब से हम इस रात को रह रहे हैं इस मकान पे, वो हम ही जानते हैं। जिस हिसाब से बारिश हो रही है, हम कभी रात को बाहर 12-1 बजे रात तक हम बाहर में रहते हैं। जब तक बारिश ज़्यादा हो रही तो हम सब लोग जितने भी हैं सब हम बाहर आ जाते हैं। शासन प्रशासन की हमें कोई मदद नहीं है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सुनील गाँव में। जिस सुनील गाँव की अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पर 3 परिवारों का आशियाना है, जो आशियाने अब पूरी तरह से खतरे की जद में पहुँच चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी से गुजारिश करूंगा कि जरा दिखाएं हमारे दर्शकों को किस तरीके से यहाँ पर जो पीड़ित परिवारों के जो आशियाने हैं वो किस तरह से यहाँ पर बर्बाद होने की कगार पर पहुँच चुके हैं। ये देख सकते हैं सामने, ये भयानक तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना लाखों की लागत से बना हुआ जो आशियाने हैं वो आशियाने कभी भी पल भर में जमींदोज हो सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी से और गुजारिश करूंगा कि जरा अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें, ताकि देख पाएं लोग कि किस तरीके से यहाँ पर जो 3 परिवार हैं वो कैसे करके यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कैसे करके यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि भयानक तस्वीरें हैं। क्योंकि जो आशियाने वो पल भर में कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। ये अंदर की तस्वीरें हैं, मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से इन गरीब परिवारों ने अपना आशियाना तैयार किया था, और किस तौर से यहाँ पर इस वक्त ये भयानक तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल सकते हैं। ये देख सकते हैं ये दीवार है, और इस दीवार से कभी भी ये दीवार बाहर की तरफ निकल सकती है, और ये दीवार कभी भी टूट सकती है, और ये पूरा आशियाना पल भर में क्षतिग्रस्त हो सकता है। मैं और दिखाना चाहूँगा अपने कैमरे के माध्यम से किस तरीके से यहाँ पर जो और भी जो पीड़ित परिवार हैं वो कैसे करके यहाँ पर रह रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं इनका जो रसोई है, वो रसोई का मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि रसोई का देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर रसोई बनी हुई थी, और जो रसोई के अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं, कितनी भयानक तस्वीरें इसके अंदर इस वक्त देखने को मिल रही है। सामने देख सकते हैं रसोई के अंदर कितनी मोटी मोटी दरारें यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो यहाँ का जो पीड़ित परिवार हैं उनका कहना है कि वो लोग इसमें अब नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा डर सताता है ऐसे में। और जो इनके यहाँ परिवार जो आशियाने हैं, आशियानों में रहने वाले जो नन्हे छोटे मोटे बच्चे होते हैं वो पढ़ाई भी पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं ये 3 परिवार जो इनके जो आशियाने इस वक्त खतरे की जद में पहुँचे हैं। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, चमोली। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।